हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं सर एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो हर एक पेट में और शायद ह्यूमंस में भी आती है वाली डिसीज़। यहां तक मैं ठीक हूं। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में से कचरा निकलना, आंखों में जला बन जाना, ठीक है, ये हमारे में भी आता है, आपने देखा होगा। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है इस जगह पे, काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। और साथ ही साथ वैसे ही अगर हम डॉग्स पे जाएं तो डॉग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली पग एक ऐसी डिजीज़ है, पग एक ऐसी ब्रीड है जिसके ऊपर बहुत सारी डिजीज़ लगी रहती हैं, खासकर उसकी आंखों में जला आता ही आता है। बात करते हैं अपने सेक्शन पे आकर के, जो हमारे पिजन्स हैं उनके ऊपर भी आपने देखा कि बहुत दिक्कतें आती हैं जब आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों में जला बन जाता है, आंखों के अंदर रेशा सा बन जाता है और आंखें बंद भी हो जाती हैं, आंखें सूज भी जाती हैं बहुत ज़्यादा। और उसके कारण क्या होता है, कबूतर खाना पीना भी छोड़ देता है। तो आज इसी के लिए ही आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी जगह चलती हैं, जैसे कि ह्यूमंस में, बर्ड्स में, पेट्स में, पेट में चाहे आपका वो डॉग हो चाहे काऊ हो, आप सभी पे ही ये ट्रीटमेंट जो बताने वाला हूँ आपको आज मैं नुस्खा, वो आप सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप खुद अपने आप पर भी ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, अपने पहले किया हुआ एक्सपेरिमेंट है और हम करते भी हैं डेली यूज़ से, क्योंकि मेरे पास एक पग है उसकी आँख में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसी तरीके की। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि उस पग को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे और एंडिंग कैसे करेंगे उसकी, कि जिस तरीके से उसकी आँख में जाला जितना भी हो, गंदगी हो, सारी बाहर आ जाए और उसे प्रॉब्लम भी ना हो, आँख की सफाई अच्छे तरीके से होती रहे। और किसी भी अगर पिजन को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप भी सेम मेथड जो आपको अभी मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप कम्प्लीटली अपने कबूतर की आँख को ठीक कर सकते हैं बहुत ही ईजली। ये जो मेडिसिन है आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी, आपको हर जगह मिल जाएगी। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आपको मैं आई ड्रॉप दिखाऊंगा अभी, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये वाली आई ड्रॉप ना मिले तो क्या करना है, हिमालय की उजाला आई ड्रॉप आती है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो ला सकते हैं, हिमालय की उजाला आई ड्रॉप। नहीं तो जो आपको दिखाऊंगा वैसे इजीली मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 24 रुपये तक का प्रिंट है इसके ऊपर, सस्ती भी है और चीज़ भी बढ़िया है। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के साथ में, आओ ले चलते हैं आपको अपने डॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको तो आपको ये चीज़ चाहिए जिससे कि आप सफाई करने के लिए, पहले तो देखिए पानी ही है, सिंपल पानी के साथ में आप ये देख रहे हैं बॉक्साइट, बोरिक एसिड होता है, ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, सिर्फ 20 रुपये की पूरे के पूरे डब्बे आती है इसकी, ये देखिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये आई ड्रॉप आती है डेको के नाम से, ये भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी आपको, ये देखिए, ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 24 रुपीज़ की है, तो आप इजीली से भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। और एक आपको कॉटन चाहिए सिंपल, अब आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से साफ़ करना है इसे, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। इस तरीके से आपने थोड़ा पाउडर ले लेना, ये देखिए, लेने के बाद में इसे यूँ इस तरीके से पकड़ करके कोशिश करनी है आपको इसकी आँख में पूरा पूरा जाए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से इसकी इस आँख में भी डाल देना, आँखों को ये हार्म नहीं पहुँचाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये ना पाउडर, ठीक है, डालने के बाद में थोड़ी देर से छोड़ देना है ताकि अपना ये काम कर ले, ठीक है। लगता नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है, आप इसे अपने खुद भी अपनी आंखों में डाल सकते हैं, कबूतरों की आंखों में डाल सकते हैं, कुत्ते की आंखों में डाल सकते हैं, गाय की आंखों में डाल सकते हैं, ये हर तरह से यूज़ कर सकते हैं आप इसे। इसके बाद में सिंपल आपको कॉटन लेनी है, कॉटन को पानी में डुबोना है इस तरीके से, ये देखिए, डुबोने के बाद में इसकी आँखें इस तरीके से स्पंज करनी है, बस इस तरीके से साफ़ करने के बाद में आपने आंखें साफ़ कर दी, जो प्रॉब्लम थी इसकी मेन, जैसे
इनके आंखों में बहुत गंदगी आती है, वो साफ रहती है। अभी ये आई ड्रॉप है, सिंपल दो दो बूंदे आपने डालनी है इनके आंखों में, इसी तरीके से खोल करके, और डालने के बाद में बस डाल के इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और आराम से ये दो या तीन दिन आपको इसी मेथड को करना है। करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका कोई भी पेट हो, जैसे डॉग हो गया, कबूतर हो गया, ठीक है, आपको पर डे दो बार ही करना है, सुबह और शाम। करने से क्या रहेगा, बिल्कुल आंखें साफ रहेंगी। जैसे हमारा ये पग है, ये देखिए, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा गंदी रहती हैं, मतलब जो प्रॉब्लम रहती है ना आंखों में, गंदगी आती है बहुत ज़्यादा, जैसे गिद्ध कहते हैं, तो बिल्कुल साफ रहती हैं आंखें इससे, और प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अभी देखिए इसकी जो गंदगी थी, ये देखिए इधर से बाहर आ गई, जैसे वो डाला था ये सारा बाहर आ चुका है। स्पेशल कॉटन से साफ कर देंगे इधर, ये देखिए, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से नई नई वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।